महाकाली और वीरभद्र जी के हाथों पराजित होने के पश्चात भी तारकासुर सकुशल था, किंतु ये भी उस दुष्ट की एक रणनीति ही थी। ये कैसी रणनीति थी तारकासुर की? तारकासुर तो मात्र समय व्यर्थ कर रहा था, क्योंकि उसे ये भली भांति ज्ञात था कि उसके वरदान के अनुसार कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। किंतु कुमार कार्तिकेय उसकी ये युक्ति समझ चुके थे। तुम तब तक कुशल हो जब तक तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करते रहोगे तारकासुर, और तुम्हारी ये चाल मैं समझ चुका हूँ। किंतु अब इससे और अधिक लाभ नहीं होने वाला है तुम्हें, क्योंकि अब तुम मेरे साथ इस युद्ध को और अधिक नहीं टाल सकोगे। क्या तुम में से कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके? मैं करूंगा तुमसे युद्ध। नहीं, कुमार कार्तिकेय, कदापि नहीं। मैंने कहा ना, एक बालक से युद्ध करना ये तो मेरे भी धर्म के विरुद्ध है, कदापि नहीं। मुझे बालक पुकार रहे हो ना तुम? तो एक बालक की इच्छा पूर्ति के लिए क्रीड़ा मानकर ही मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर लेते तुम? युद्ध बालकों की क्रीड़ा नहीं कुमार कार्तिकेय। अरे कहीं भूल वश मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो बाल हत्या का पाप लगेगा मुझे। ना 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 ना, ना। ऐसा भूल नहीं करना मुझे ना। अच्छा, अभी कल ही तो तुमने मुझे चुनौती दी थी, मुझसे मेरा आत्मदाह करवाना चाहते थे ना तुम, और आज मेरा वध तुम्हारे लिए पाप हो गया। और वैसे भी तुम असुर पाप और पुण्य की चिंता कब से करने लग गए? उचित कहा तारकासुर, युद्ध क्रीड़ा नहीं होती है, किंतु समय व्यर्थ करके क्रीड़ा ही तो कर रहे हो तुम। क्या कहा था तुमने कि मेरे अतिरिक्त किसी भी योद्धा से युद्ध करने के लिए सज्ज हो ना तुम? तो सुनो, आज यहां उपस्थित समस्त योद्धाओं की उपस्थिति में मैं देव सेनापति महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। तारकासुर आओ, युद्ध करो मुझसे। मेरा समय व्यर्थ मत करो तारकासुर, युद्ध करो मुझसे, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर लो। पराजय स्वीकार करूं मैं? कदापि नहीं। युद्ध चाहते हो ना तुम? उचित है, तो अब यह युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा, और इसके लिए तैयार हो जाओ तुम कुमार कार्तिकेय। We'll be right back.
अब अवश्य अंत होगा इस दुष्ट का। तारकासुर को प्राप्त वरदान के कारण वो वीरभद्र जी और देवी महाकाली के आहत करने पर भी पुनः कुशल हो रहा था, किंतु ये बाण उसके काल का बाण है, कुमार कार्तिकेय का बाण है। इसके आघात के पश्चात तारकासुर इसके प्रहार से मुक्त नहीं हो पाएगा। कार्तिकेय कई बाण छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे आहत नहीं होना, मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए, यही उचित रहेगा। तारकासुर प्राणहीन हो गया, अंत हो गया तारकासुर का। नहीं देवराजेंद्र, मेरे बाणों से आहत अवश्य हुआ है वो, किंतु उसका अंत हो गया है इसका विश्वास मुझे तभी होगा जब मैं स्वयं अपने नेत्रों से उसका शव देख लूंगा। अभी तारकासुर का अंत नहीं हुआ है और ना ही अभी ये युद्ध समाप्त हुआ है, क्योंकि अब वो मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करेगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, वो अवश्य ऐसा करेगा। जहां तक मुझे ज्ञात है, तारकासुर जिस खाई में आहत होकर गिरा है, वहां माता तारा के विशेष मंदिर में माता की अति विशेष निषिद्ध पूजा होती है, जिसे यदि तारकासुर संपन्न कर सका तो उसे ऐसी अंधकारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे अत्यंत बलशाली एवं भयंकर तृत्य में परिवर्तित कर देगी। इस अत्यंत विकट निषिद्ध पूजा के परिणाम भी अत्यंत भीषण होते हैं। तारकासुर अगर इस पूजा को पूर्ण करने में सफल हुआ तो वो अवश्य देवी तारा से ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जो सभी के लिए संकटमय होगा। तो मैं उसे ये निषिद्ध पूजा कभी संपन्न नहीं करने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी सहायता के लिए हम सब भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप सभी यहीं रुकिए, क्योंकि तारकासुर के अध्याय का अंत करने के लिए ये कार्य मुझे ही संपन्न करना होगा। कुमार कार्तिकेय, आप सावधानी से वहां जाइएगा, क्योंकि तारकासुर ने उस खाई में अनेकों जाल बिछा रखे हैं। Thank you.
पिताजी 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 मेरे पुत्र विद्युन्माली तारकावश वीर्यवान पिताजी पिताजी ये कैसी दुर्दशा कर दी उस कुमार कार्तिकेय ने आपकी। अब हमें अनुमति दीजिए कि जाकर उससे युद्ध करें और आपका प्रतिशोध लें। नहीं, कदापि नहीं। जीवित रहना है तो तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना है। तुम सभी को कठोर तप कर वरदान प्राप्त करना है तुम्हें, जिससे तुम भी मेरे समान बलशाली बन सको। अब बताओ मुझे, मेरी पूजा का प्रबंध किया तुमने? हाँ पिताजी, पूजा का समस्त प्रबंध हो चुका है। उचित है, अब तुम सभी यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि अब मैं अपनी पूजा आरंभ कर विवश कर दूंगा माता तारा को और वरदान प्राप्त करूंगा उनसे, और फिर अपने सामर्थ्य का उचित परिचय दूंगा उस महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय को। पिताजी, हम आपको इस अवस्था में देखकर अत्यंत विचलित हैं। अपनी सहायता के लिए हमें अनुमति दें। उचित है, तुम मेरी सहायता करना चाहते हो ना, तो बाधा उत्पन्न करो उस कुमार कार्तिकेय के मार्ग में, दूर रखो उसे मुझसे, मेरी पूजा संपन्न होने तक। जो आज आज्ञा पिताजी। माता तारा, अब मैं तारकासुर आपकी निषिद्ध पूजा आरंभ कर रहा हूं, जिससे प्रसन्न होकर आप दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगी। एक और तो पुत्र कार्तिकेय समय रहते तारकासुर की पूजा रोकने के लिए तत्पर है, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अवैदिक वाम मंत्रों के प्रयोग से मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करने के लिए आतुर है। एक पुत्र सन्मार्ग पर तो दूसरा कुमार्ग पर। हाँ नाथ, क्योंकि वाम पूजा के विधान के अनुसार इस पूजा के माध्यम से भक्त ईश्वर को विवश कर उनसे वरदान प्राप्त करता है, किंतु उसे इसका ध्यान नहीं रहता कि ईश्वर की अनिच्छा से जो भी होगा उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। किंतु मैं जगत जननी हूं, अच्छा हो अथवा बुरा, तारकासुर भी मेरा ही पुत्र है
पर यदि उसका आवाहन चरम पर पहुंचा तो देवी तारा उसे दर्शन प्रदान करेगी। इतनी सरलता से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे देव सेनापति। ये क्या हो रहा है? मेरे चारों ओर भूमि स्वतः ही कंपन कैसे कर रही है? जी, मैंने इतनी जटिल उलझनें उत्पन्न की है कुमार कार्तिकेय के लिए कि वो कभी उसका तोड़ ढूंढकर शमशान तक नहीं पहुंच सकेगा। मुझे इस भटकाव को शीघ्र ही पार करना होगा, अन्यथा तारकासुर अपनी पूजा पूर्ण कर देगा। अब तो ये मुझे अपने बंधन में डालने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इनके बंधन में उलझूंगा नहीं। मुझे उस प्रकाश की दिशा में बढ़ना चाहिए, कदाचित यही द्वार है यहां से निकलने का। ये द्वार तो बंद हो रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी।
माता तारा, आपको प्रसन्न होना ही होगा। मेरी पूजा से आपको प्रसन्न होना होगा। दर्शन दीजिए मुझे, माता दर्शन दीजिए मुझे। अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। अब नीचे धधकता लावा और ऊपर तारकासुर के मायावी पुत्रों की अंधकार पूर्ण माया। कुमार कार्तिकेय तारकासुर के पुत्रों के छल में बुरी तरह से उलझ चुके थे और अब उनके समक्ष बचने का कोई शेष मार्ग भी नहीं बचा था। फिर कुमार कार्तिकेय के साथ क्या हुआ? तत्पश्चात ऐसा कुछ हुआ जिसके विषय में कुमार कार्तिकेय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पाप कई पाप का कारण बनता है, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना ही सदैव उचित होता है। मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित हैं? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। मेरा वध करना चाहते हो ना तुम? तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे?